नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। 15 मई तक अब लॉकडाउन रहेगा, यानी कि सब कुछ बंद। आप समझ सकते हैं, कोरोना का दौर है, काफ़ी मुश्किल दौर है। लेकिन इसके साथ ही साथ बिहार के छात्रों के लिए काफ़ी कठिन दौर है। हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, BPSC का रिज़ल्ट कब निकलेगा। 64वीं BPSC का जो इम्तिहान लिया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया सितंबर 2018 में, उसके बाद फिर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम लिया गया, फिर मेंस का एग्ज़ाम लिया गया, फिर इंटरव्यू लिया गया। सोच सकते हैं, सितंबर 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अभी हम जब बात कर रहे हैं तो आ चुका है मई 2021। यानी कि कितना लंबा सफ़र रहा होगा, कितनी मेहनत की गई होगी, पढ़ाई की गई होगी, कोरोना का दौर भी सहा गया होगा। गार्जियन जो अपने बच्चों को अन्य ज़िलों से पटना भेजते हैं, खर्च करते हैं, रूम में रहना पड़ता है, एक रूम में दो दो तीन तीन लोग रहते हैं आपस में शेयर कर करके, लेकिन उनका रिज़ल्ट कब आएगा पता नहीं। बिहार लोक सेवा आयोग, लोक की सेवा करने के लिए छात्र छात्राएं तैयार हैं, फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे हैं, धरना तक दे दिया BPSC कार्यालय के आगे। बाद में बताया गया कि जल्द से जल्द जारी करेंगे, लेकिन वो जल्द 2020 के बाद आ ही नहीं रहा है। अगर हम विस्तार से आपको बताएं तो सितंबर 2020 में 1465 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसके बाद 18 दिसंबर 2018 को प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम लिया गया। 12 से 16 जुलाई 2019 अब आते हैं, मेंस का एग्ज़ाम लिया गया, जिसका रिज़ल्ट 16 जुलाई 2020 को दिया गया, यानी कि एक साल के बाद। एक साल सिर्फ रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार किया गया। उसके बाद फिर कोरोना का दौर आया, अच्छा है उससे पहले ही इंटरव्यू ले लिया गया था। 1 दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक, इस साल के फरवरी माह तक इंटरव्यू लिया गया, क्योंकि पिछला साल पूरा कोरोना काल का रहा था। दिसंबर से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद बीच में ये कहा गया, टालमटोल किया गया कि जो हैंडीकैप लोग हैं, जो शरीर से जो कह सकें स्वस्थ नहीं है, या कह सकें जो दिव्यांग लोग हैं, उनका फिज़िकल टेस्ट लिया जा रहा है, इसलिए थोड़ी समय ज़्यादा लग रही है जो बातें हों। इसके बाद छात्रों ने धरना दे दिया BPSC कार्यालय के आगे। अब वो भी क्या करें, सितंबर 2018 में फॉर्म भरा, 2021 आ गया, कोरोना की मार झेल रहे हैं, माँ बाप इस उम्मीद में बैठे होंगे कि कब नौकरी लगेगी, कब नौकरी लगेगी। अब सिर्फ वो कह रहे हैं कि हमने जो इम्तिहान दिया था, कम से कम ये तो बताइए कि पास हुए हैं या फेल हुए हैं, लेकिन रिज़ल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। पता नहीं कितने फ़ोन्स आए, कितने मैसेजेज आए, पूरा डिटेल बताया गया कि हमारी समस्याओं को आप समझिए, हम काफ़ी डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। लॉकडाउन कितने आगे तक जाएगा कह नहीं सकते हैं, तमाम विभाग जो हैं वह बंद पड़े हैं, आपदा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर। इसके अलावा अब वो क्या करें, क्या वो पटना में ही रहें, माँ बाप के खर्च पर पलें, या 2018 से जो सपना देखा था, जो मेहनत किया था, वो सारा सपना और मेहनत जो है वो पानी में चला गया। 30 अप्रैल बताया गया था, ये भी बताया जा रहा है छात्रों द्वारा, कुछ छात्रों द्वारा फ़ोन किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल तक का समय बताया गया था, डेडलाइन दिया गया था कि 30 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट। लेकिन आज तारीख हो गई 4 मई, कल से लॉकडाउन की शुरुआत। चलिए उन सभी छात्र छात्राओं को मुबारक हो, कुछ समय और इंतज़ार करना पड़ेगा, पता नहीं BPSC का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, नींद खुलेगी या नहीं खुलेगी। अभी भी क्या अड़चनें आ रही हैं समझ नहीं आ रहा है, लेकिन BPSC के छात्रों का यह कहना है कि काफ़ी डिप्रेशन में है। एक तो कोरोना से ही बचना है, अब दूसरा डिप्रेशन से बचना है। देखते हैं, लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, 64वीं BPSC का रिज़ल्ट कब आएगा और कब 1465 पदों के लिए फॉर्म जो भरे गए हैं लाखों छात्र छात्राओं द्वारा, जो आँखों में सपने संजोए हुए बैठे हुए हैं, उनमें से 1465 कब चुने जाएंगे जिन्हें नौकरी मिल जाए। ऐसे भी देश में बेरोजगारी का आलम क्या है आपसे छुपा नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।